हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। दोस्तों एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है यहाँ पे ये टीचिंग पोजीशंस आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों लास्ट डेट की बात करें हम लोग तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फ़ी के साथ जो है फिलअप करने की लास्ट डेट जो है 19/8/2022 जो है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि दोस्तों अभी रिसेंट में डिफरेंट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस के द्वारा जो है वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या टीचिंग पोजीशंस के लिए आई हुई थी। तो दोस्तों उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो दोस्तों उन वीडियोस को आप हमारे चैनल के पेज से या फिर जो है चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के चाहे तो देख सकते हैं, या फिर कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो उन सारे वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि इजीली आप उन सारे वीडियोस को देख सकेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग सीधे चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ, या बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस की तरफ जो है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके सब्जेक्ट पे यहाँ पे वैकेंसी है या फिर नहीं है, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आपके काम का वीडियो है या फिर नहीं। यदि आपके काम का वीडियो नहीं है, मतलब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो आप चाहें तो वहीं से आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा दिया है नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, कैटेगरी, कोड, ठीक है। इसमें जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी यहाँ पे जैसी दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट का नाम मैं बताता जाता हूँ, बाकी आप उसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आपके सब्जेक्ट में, आपकी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें दोस्तों, जैसा कि ये फर्स्ट दिया है इसमें अंबेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, इसमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी। अब इसमें दोस्तों आप देख लें कि इन डिफरेंट पोस्ट जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर में किस में वैकेंसी है या फिर नहीं है। दोस्तों इसके बाद आगे यदि बात करें हम लोग, जैसा देख सकते हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो हॉर्टिकल्चर की बात की गई है। उसके बाद जो स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज की बात करें तो इसमें जो है एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। अब उसके बाद जो स्कूल ऑफ एजुकेशन में देख सकते हैं ये एजुकेशन, फिर स्कूल ऑफ होम साइंस में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, उसके बाद स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर की बात करें तो इसमें जो है हिंदी दिया हुआ है। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें जो है ह्यूमन राइट्स और लॉ। उसके बाद जो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की बात करें तो रूरल मैनेजमेंट। देन स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। देन उसके बाद जो स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में देखें तो फार्मास्यूटिकल साइंस की बात की गई है। स्कूल ऑफ फिजिकल एंड डिसीजन साइंस में जो है स्टेटिस्टिक्स। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ में जो है स्टडीज़ में आप देख सकते हैं संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ योगा, नेचुरोपैथी एंड कॉग्निटिव स्टडीज़ में जो है योगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो बात की गई है ये सैटेलाइट सेंटर ऑफ BBAU एट अमेठी, ठीक है, यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट्स की बात की गई है। और डिपार्टमेंट जैसे देखते हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद जो है नंबर ऑफ पोजीशंस की भी बात की गई है, तो आप जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें देख लें कि आपके सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पर दोस्तों कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो है किसी यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये टीचिंग पोजीशंस हैं, टीचिंग पोजीशंस के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये 20/7/2022 का जैसा कि आप देख सकते हैं इस डेट का जो है ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है, जैसा कि दोस्तों ये ऊपर लिखा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ जो है इनवाइट करती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ये टीचिंग पोजीशन के लिए बैरियर्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस जैसे लखनऊ कैंपस में एंड सेटेलाइट सेंटर एट अमेठी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है यहाँ पर जैसे कि इन सीट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन सब
ये वैकेंसीज के बारे में। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा दिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BBAU लखनऊ, ठीक है। इसमें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात की है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद जो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें आप देख लें कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें सीट आपके सब्जेक्ट में है या फिर नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर की बात की गई है, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, ह्यूमन राइट्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। देन उसके बाद जो एजुकेशन, इसके सामने दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, इसको आप देखते जाएँ। जैसे आगे दिया है फिर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर की बात की है दोस्तों। इसके बाद जो है हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी जो है डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे। जैसा कि ये देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट की बात की गई है, इसमें दोस्तों हम डिपार्टमेंट आपको बता देते हैं, आप इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देख लें और एलिजिबिलिटी आप जो है अपने सब्जेक्ट के सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों इसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है, उसके बाद जो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, देन हिंदी, उसके बाद रूरल मैनेजमेंट, उसके बाद संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, योगा। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये डिफरेंट एसोसिएट मतलब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज हैं। दोस्तों यहाँ पे अब देखते हैं डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एलिजिबिलिटी उसके सामने दी हुई है, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि यदि दोस्तों आपको जो आज का वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। फ्रेंड्स दोस्तों यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन कोशिश रहती है कि अपने चैनल पे अपडेट करें। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट से अपडेट रहने के लिए चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें देख सकते हैं जैसे ये डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है। और दोस्तों इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी, ये सब की बात ऑलरेडी की गई है। आप देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं कैटेगरी वाइज जो है, और एलिजिबिलिटी भी आप देख लें इसमें, ठीक है। क्योंकि यदि एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों तो काफ़ी बड़ा ये वीडियो हो सकता है। जैसे कि आगे यदि बात करें हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है रूरल मैनेजमेंट, देन स्टेटिस्टिक, उसके बाद संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़, देन संस्कृत एंड उसके बाद फिर अगेन दिया है संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़। इसमें आप ये पोस्ट कोड यदि देखें तो ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं उसके बाद जो है कॉमर्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है योगा, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल साइंस। उसके बाद दोस्तों दिया है एजुकेशन, इसमें जो है पेडोगॉजी ऑफ लैंग्वेज, उसके बाद जो है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में जो है अलग अलग ये पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड है। उसके बाद जो है मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे लेवल आप देख सकते हैं, पे रेंज दिया हुआ है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। जैसे ये अलग अलग पे रेंज है आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि बात करें हम लोग तो पे रेंज इसका आप देख सकते हो, ये ₹57,700 से ₹1,82,400, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। जैसा कि यदि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये 20/7/2022, ठीक है, स्टार्टिंग डेट की जो बात करें तो। फिर इसके बाद जो है जो सेकंड नंबर पर दिया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फी सबमिशन, तो ये जो है आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फी करने की जो लास्ट डेट की बात करें विथ फी, तो ये 19/8/2022 की रात जैसा कि दिया है ये 11:59:59 तक, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑनलाइन अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे नॉन रिफंडेबल ये फ़ी की बात की गई, जैसे जनरल या फिर OBC इसमें नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 रखा गया है, और
EWS और SC और ST और PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपये रखा गया फी। अब इसमें नोट करके दिया है दोस्तों, इसको भी एक बार जरूर से आप लोग पढ़ लेना। फिर हाउ टू अप्लाई में जो है ये इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, इसको आप देख लेना, ठीक है। इस पर एक बार दोस्तों यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको बता देते हैं, यहाँ से आप खुद भी जा करके इस एडवर्टीजमेंट को या बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट नोटिस को आप खुद से जो है डाउनलोड कर लें, पढ़ने समझने सेटिस्फाई हो लें। और यदि आपको लगता है कि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए तभी आप अप्लाई करें दोस्तों, अदरवाइज़ ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है www.bbau.ac.in, ठीक है। एक बार फिर से वेबसाइट बताते हैं www.bbau.ac.in। दोस्तों ये लखनऊ में यूनिवर्सिटी है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसमें दोस्तों ये ई नंबर पे जो फिफ्थ नंबर पे जैसा आप बोल सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि कैंडिडेट्स को जो है ये एडवाइज़ किया जाता है कि वो रेगुलरली जो है वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी की उसको वो चेक करते रहें किसी तरह के कोरिजेंडम या चेंजेस या अपडेट्स के लिए जो है, ठीक है। तो दोस्तों उसको ज़रूर से जो है आप चेक करते रहें ये पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, जैसे कि आप अपडेट रहेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों दिया है जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इसेंशियल इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको भी एक बार आप जरूर से दोस्तों सारे जो है पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात बताते हैं कि अभी हम लोग चलेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ से आप एक बार आपको दिखा देते हैं कि कहाँ से जो है इस एडवर्टीजमेंट को या बोल सकते हो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है इसको आप कहाँ से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर के आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम लोग ये BBAU यूनिवर्सिटी जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है इसकी वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे वेबसाइट एक बार फिर से बताते हैं bbau.ac.in, जैसा कि आप देख सकते हैं वेबसाइट इस पर हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है जैसा लेटेस्ट न्यूज़ में करके देखें अभी, तो अभी जो है जुलाई 20 के डेट में जो है ये फर्स्ट नंबर पर जैसा कि शो कर रहा है एडवर्टीजमेंट नंबर BBAU ऐसा करके आप देख सकते हैं वैकेंट टीचिंग पोजिशन के लिए जो है, ठीक है, 20/7/2022 की डेट का। दोस्तों इस पर क्लिक करके जो है आप इस एडवर्टीजमेंट को आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर जो दिया हुआ है 20/7/2022 के डेट का, जो कि ऑलरेडी हम लोग एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है न्यूज़ को जा करके देख चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप आगे जैसा कि इसको देखेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आगे दिया हुआ है ये टीचिंग, इसमें जो है टीचिंग में जब आप जाएंगे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रीफ नोटिस करके दिया, ब्रीफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, ये टीचिंग पोजिशन के अंतर्गत। फिर उसके बाद डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस और कोरिजेंडम टू एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, तो अलग अलग ये बातें जो है इसमें दी हुई हैं। और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन की भी बात की गई है, यहाँ से जैसा कि देख सकते हैं आप ये 19/8/2022 तक जो अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे नोटिसेज हैं इनको आप जाकर के सारे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों इतना पेशेंस के साथ आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।